गाइस हम लोग आज देखते हैं कि आपको सक्सेसफुल होना है तो रात को सोने से पहले लोग क्या करते हैं, कौन सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं। अगर आपको भी सक्सेस होना है तो रात को सोने से पहले आपको वो भी करना चाहिए, राइट। सो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नो, सक्सेसफुल लोग सोने से पहले बुक रीड करते हैं। वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, ये लोग 500 पेजेस एक दिन में रीड करते हैं, राइट। बिल गेट्स 50 बुक्स रीड करते हैं, राइट। और एक डिटेल में है कि दिन में कितना बुक पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, अलग अलग है, लेकिन सोने से पहले आपको एक बुक रीड करना जरूरी है। व्हाट्सअप में मैसेज, फेसबुक में मैसेज, ये वीडियो वो वीडियो, पिक्चर देख के, जोक देख के सोना नहीं चाहिए, राइट। सक्सेसफुल होने के लिए आपको बुक्स रीड करना चाहिए, ठीक है। बुक्स रीड करने से क्या होगा, जब पर्टिकुलरली बायोग्राफी होगा होगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बायोग्राफी से क्या होता है कि आपका जो कंप्लीट एक आदमी के बारे में उनका जो सक्सेस है ना, दिमाग में बैठ जाएगा। आप सो गए रात भर, आपकी आपके दिल और दिमाग में हो रहेगा, राइट। सो अननोइंगली, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली आपकी जो सक्सेस की ओर आप बढ़ोगे, सो वो आपको नहीं करना चाहिए। सेकंड, रात को सोने से पहले काम में सब धंधा सब पकड़ बंद, ठीक है। जैसे आपका हो गया 8 बजे 9 बजे, टोटली डिस्कनेक्ट हो जाओ काम से, यू नो, दिन रात वो काम के बारे में सोचेंगे तो फिर आपका कुछ ये नहीं होगा, राइट। सो आपको पूरा काम धंधे से सब छोड़ के अलग फ्री हो जाना चाहिए। अब जो अच्छा लगता है आपको वो करना चाहिए, राइट। आप कौन हो पता नहीं होना चाहिए, डिस्कनेक्ट, ओके। सोने से, बुक रीड करने से पहले, ओके। उससे पहले क्या करना चाहिए, कल का प्रोग्राम क्या है, कल क्या क्या काम करना है, उसका शेड्यूल बनाना चाहिए कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसा। जनरली सुबह उठ के हम लोग ढूंढते हैं कि मैं क्या करूँ आज, यू नो, आज क्या क्या काम है, फिर आधा याद आया, नहीं आया, एक जन को पहले कॉल करना था, प्लान करना था, वो सब नहीं कर पाया, उस दिन आधा वेस्ट हो जाएगा। सो ऑलवेज ऑलवेज सोने से पहले दूसरे दिन का जो काम है, दूसरे दिन का कैसे आपका शेड्यूल होगा, वो पहले दिन आपको पूरा शेड्यूल बना के रखना चाहिए। क्यों, शेड्यूल बना के रखने से उसका अभी किसी का साथ ये काम करना है तो पहले, उससे पहले उनको कॉल करना है, उससे पहले ये तैयार करना पड़ेगा, उससे पहले ये करना पड़ेगा, क्योंकि एक कॉल, एक काम के पीछे 3-4 काम हो सकता है जो अपने को प्रिपरेशन करना है। वो अगर आप रात को लिस्ट बना देते हो, शायद आपको सोने के टाइम पे सुबह उस चीज में याद रहेगा, और उसमें जो डिटेल चाहिए वो काम के लिए, वो आपको सुबह सुबह ऐसा आपको निकल सकता है, या ना वो दिमाग में आ सकता है कि आपकी जो काम है दूसरे दिन का शेड्यूल परफेक्ट होगा, ठीक है। एक हो गया। दूसरे, आपको सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए, सुबह उठ के या फिर आपको फैमिली के साथ कुछ समय स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फैमिली आपका सक्सेसफुल होने का बहुत रीज़न होता है, नो, आप अकेले अकेले क्या करोगे, अकेले अकेले जी के सक्सेसफुल होके होना क्या है, राइट। सो फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली, किचन में वाइफ को हेल्प करो, या फिर नौकरानी को हेल्प करने की बात नहीं कर रहा हूँ, वाइफ की हेल्प करने की बात कर रहा हूँ, बच्चे के साथ थोड़ा स्पेंड करो, ये सब चीज़ होना चाहिए। मेरा एक फ्रेंड है, वो कोयम्बतूर में नहीं, मदुरई में है, कसी करके, वो मुझे फ़ोन करके बोलते थे कि आपके बच्चे को आप दिखते रहोगे, यू विल हैव अ ड्रीम, यू विल हैव अ विजन, आपको ज़िंदगी में क्या करना है। बोला ये क्या बातें कर रहे हैं, बोला हाँ, क्योंकि वो बच्चा है, लेकिन आप देखते रहोगे, आपको विजन्स मालूम पड़ेगा, आपको और मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना मालूम पड़ेगा। मैं इसको बहुत लाइटली ले लिया, लेकिन सच में जो अकेले कभी मेरे को दे देते हैं, संभालो इसको, तो मैं देखता हूँ तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे समझ में आता है, मेरा सीरियसनेस समझ में आता है, मुझे और कितना काम करना है समझ में आता है, मेरा नेक्स्ट लाइफ में प्लान कहाँ होना है समझ में आता है। सो स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, बिकॉज यू नो ये आपको बहुत ही मज़ेदार काम देगा। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नाइट वॉक में जाना चाहिए, ठीक है। ये कुछ अलग ही है, सुबह मॉर्निंग वॉक आप सुने होंगे, नाइट वॉक, काम हो गया, खाना हो गया, सब कुछ हो गया, सोने से पहले एक नाइट वॉक अकेले जाना है, जिसमें आज का पूरा दिन क्या हुआ है, किसमें अच्छा गया, क्या हुआ, उस तरह का। वापस जाके ग्रुप के साथ जाके पानी पूरी खाना या फिर आइसक्रीम खाना, फलूदा खाना, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रात को एक अकेले आप जाइए, आपको मतलब जितना भी कंटिन्यूस शेड्यूल है ना, उसके ऊपर एक ब्रेक मिलेगा कि एग्जैक्टली आपको लगेगा अभी मुझे क्या करना चाहिए, है ना। तो एक रिकैप हो सकता है, बेस्ट हो सकता है, मतलब उसमें। और सेकंड, उस दिन आपके दिन कैसे गया, अच्छा, और उसमें आपने क्या क्या धमाल किया, आपकी सक्सेस क्या क्या है,
ये आप प्लान कर सकते हो. ये एक बढ़िया चीज़ हो सकता है, राइट, नाइट वॉक करने से और आपकी जो जो सक्सेसफुल हुआ है उसके बारे में, राइट, एक रिफ्लेक्ट ये चीज़ आ सकता है. तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं इसको अगर करने से अपना रियल सक्सेसफुल हो सकता है. और लास्ट में होगा बराबर टाइम पे सोना, कि व्हाट्सएप आ गया, कॉल आ गया, मैसेज आ गया, अच्छा पिक्चर आ गया, कोई मूवीज़ आ गया, यू नो, ये सब झंझट में मत पड़ो. सक्सेस होने के लिए आपको बराबर टाइम पे सोना चाहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप फ्रेश रहोगे, दूसरे दिन आप काम कर सकते हो. ठीक है, ये सब पॉइंट्स हैं, नोट करेगा एंड मेक श्योर कि एवरी डे आप करते रहो. ये नॉर्मल इधर उधर सुना हुआ नहीं है, एक दो चीज़ आपने कभी सुना नहीं होगा, शायद सुना पता नहीं, लेकिन ये सब आप फॉलो करिए, यू विल बी सक्सेसफुल, राइट. थैंक यू.